गाजियाबाद में आए दिन धरना प्रदर्शन जोरों पर है। कभी तो शिक्षा मित्रों का धरना, कभी आंगनवाड़ी महिलाओं का धरना, और ऐसे में गाजियाबाद नगर निगम कर्मचारियों का धरना भी शामिल है। गाजियाबाद में पिछले 3 दिनों से नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि उनकी जरूरतों के हिसाब से वेतन नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, जो कि आज की इस महंगाई में बहुत ही कम है। आपको बता दें कि गाजियाबाद नगर निगम कर्मचारियों में सफाई कर्मचारी, सीवर कर्मचारी और मालियों ने हड़ताल कर अपना काम बंद किया हुआ है, जिसमें कि तीनों संगठनों के कर्मचारियों को मिलाकर लगभग हजारों कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। वही कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सीवर कर्मचारियों, मालियों व सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर उन्हें खाते में नहीं भेजा जाएगा, तब तक वह अपना काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हमारी मांग है पूरी करो, 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 वेतन वृद्धि लेकर रहेंगे, वेतन वृद्धि लेकर रहेंगे, वेतन वृद्धि लेकर रहेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार ढिल्लों है, मैं नगर निगम कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष नगर निकाय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, जो हमारी यूनियन का नाम है, उसका मैं एज ए अध्यक्ष हूँ। गाजियाबाद में जो नगर निगम पर 3 दिन से धरना दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? ये हमारी जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, गाजियाबाद के जो कर्मचारी भाई हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सीवर कर्मचारी हैं, माली कर्मचारी हैं, उनकी बढ़ोतरी के संबंध में के यहाँ पे धरना रखा जा रहा है। और 3 दिन से यहाँ लोग सारे कर्मचारी मौजूद हैं, उनका वर्तमान में 7,500 रुपये मिल रहा है, सफाई कर्मचारी, सीवर कर्मचारी, और जो माली भाई हमारे जो वर्तमान में पूरे गाजियाबाद के 7-6 उनको 5,500 रुपये मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इन अधिकारियों से, क्या इतनी महंगाई में इन लोगों के बच्चों का लालन पोषण हो सकता है? क्या इन लोगों के बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सकती है? इन अधिकारी को सोचना चाहिए कि इन लोगों का जल्दी से जल्द वेतन बढ़ा दिया जाए। और ये सभी यूनियन जो हमारे लोग पदाधिकारी बैठे हैं यूनियन के, ये लोग सभी निर्णय करके बैठे, कर्मचारी निर्णय करके बैठे, जब तक वेतन की बढ़ोतरी हमारी नहीं होगी, इन सबकी नहीं होगी, तब तक कोई यहाँ से जाने वाला नहीं। जैसे कि 3 दिन से आप धरने पर बैठे, तो कोई बड़ा अधिकारी आया? अभी तक कोई अधिकारी हमारे से मिलने नहीं आया, कोई भी नए नगर आयुक्त ने सुध लिया, ना किसी नीचे अधिकारी ने मिली, कोई कर्मचारी के सुध लेने वाला, यानी सब अपने अपने चक्कर में रहने, कमीशनखोरी कर रहे, सारा सब कुछ ये कर रहे, कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है इनका। और ये धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक ये धरना चलेगा। और चाहे हम लोगों को कहीं आओ, अब हमारी प्रदेश में यूनियन है, अब हम कल से हम लोग सब लोगों को प्रदेश में सूचना करेंगे, और यहाँ गाजियाबाद को पूरे प्रदेश का वो बुलाएंगे यहाँ पे, अगर हमारी जल्दी सुनवाई नहीं है। We'll be right back.